नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। आज भारत देखे चांद पर है, चहु दिशाओं से भारत जिंदाबाद यही सुनाई दे रहा है। अंतरिक्ष में हिंद का डंका बज रहा है। विश्व पटल पर भारत को विश्व गुरु के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में क्या आप जानते हैं कि गुरु शिष्य की परंपरा वाले इस देश में, यानी कि हमारे भारत ने दुनिया को बहुत सी ऐसी चीजें दी हैं जिनमें सनातन हमेशा से समाहित रहा। प्लास्टिक सर्जरी से लेकर आयुर्वेद, गणित, विमान शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, इन आविष्कारों की जननी प्राचीन भारत की यही तपोभूमि रही। और इसी पवित्र धरती से अमेरिका, चीन और अरब देशों को लूनर कैलेंडर यानी कि चांद पर आधारित काल गणना का भी साधन मिला। भारत वो इकलौता देश है जिसने दुनिया को ये बताया कि चंद्रमा से ही काल गणना की जा सकती है। आज देखिए, अलग अलग देशों के अलग अलग अपने अपने कैलेंडर जो हैं वो पूरी तरह से चांद पर आधारित है, जिसके पीछे की काल गणना भारत की ही देन है। तो प्राचीन काल से स्थापित ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण, ये दोनों ग्रंथ ये बताते हैं कि हजारों साल से चांद इंसानों के लिए काल गणना का साधन रहा। जब समय पता करने का कोई साधन नहीं था, तब चंद्रमा के घटते और बढ़ने की स्थिति से ही दिन और महीनों का अनुमान लगाया जाता था। 15 दिन अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा की, ऐसे दो पक्षों को मिलाकर महीने का कैलकुलेशन किया जाता था, जिसे चंद्रमास यानी कि चंद्रमा का महीना कहा जाता था। आलम है कि ना सिर्फ देखिए हिंदू पंचांग चंद्र पर आधारित है, बल्कि दुनिया भर के कैलेंडर भी चांद पर ही निर्भर है। तो आपको ये जानकर ताजुब होगा कि नासा की एक रिपोर्ट आज भी ये दावा करती है कि पाषाण युग में फ्रांस और जर्मनी की गुफाओं में रहने वाले आदि मानवों ने 35,000 साल पहले चंद्रमा की गति का अध्ययन करके पहला कैलेंडर बनाया था। भारत में भी इसका सबसे सटीक गणित है। चीन और अरब देशों ने भी चांद से कैलेंडर बनाना भारत से ही सीखा। ना सिर्फ नासा बल्कि प्रो कोलबुक और बेवन ने अपनी किताब लेटर्स ऑन इंडिया में बकायदा ही लिखा है कि भारत को ही सबसे पहले चंद्रमा और नक्षत्रों का ज्ञान हुआ। चीन और अरब देशों के ज्योतिष का विकास भी भारत की ही देन है। उनकी काल गणना की चंद्र विधि भी भारत से ही पूरी तरह से प्रेरित है। पड़ोसी मुल्क चीन हो, अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अरब देशों या फिर फ्रांस, इन तमाम देशों में कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। और कैलेंडर को बनाने का तरीका भी इन देशों को भारत ने सिखाया है। तो हमारे देश में देखिए हिंदू पंचांग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 30 त्योहारों की तिथियां तय होती है। 2080 साल पुराने हिंदू पंचांग की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। और अब अगर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि आखिर चंद्रमा पर ही आधारित कैलेंडर क्यों बनता है, तो इसके पीछे की देखिए सबसे बड़ी वजह ये है कि धरती से चंद्रमा की नजदीकी सूर्य की तुलना में सबसे ज्यादा कम है। अब चंद्रमा आकाश में गतिशील भी है, नित्य गति करता रहता है। ना सिर्फ तिथियां बल्कि ऋतुएं भी चंद्रमा के कारण ही बदलती है। चंद्रमा के प्रभाव से ही 13 महीने हो जाते हैं, जिसे आप अधिक मास भी कह सकते हैं। अब अगर देखिए चीन की बात करें तो चीन का लूनर कैलेंडर 12 महीनों वाला होता है, जिसमें अंग्रेजी कैलेंडर से 11 दिन कम होते हैं। एक चाइनीज महीने में देखिए 29 से 30 दिन होते हैं। और इस कैलेंडर की शुरुआत तो देखिए ईसा पूर्व एक चाइनीज सम्राट की ताजपोशी के वक्त हुई थी। इसी कड़ी में साउथ अमेरिका के कुछ पहाड़ी इलाकों में चलने वाला द्वीपीय कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। इस कैलेंडर में महीने की शुरुआत अमावस के अगले दिन यानी कि न्यू मून के साथ होती है। वहीं अरब देश में चलने वाला हिजरी संवत भी चंद्रमा पर पूरी तरह से आधारित है। चांद को देखकर ही इसमें समय की गणना की जाती है। जैसे ही इस्लाम में देखे चांद देखकर रोजे की घोषणा होती है, ईद का दिन मनाया जाता है, वैसे ही उसी तरह से त्योहार इसके आधार पर मनाए जाते हैं। क्योंकि देखिए 1400 साल पुराने इस कैलेंडर में चंद्रमा की एक बड़ी भूमिका हमेशा से रही है। यूरोप की दुनिया से आने वाले फ्रांस देश का कैलेंडर भी चंद्रमा पर पूरी तरह से निर्भर है। सेल्टिक नाम के इस कैलेंडर में सूर्य और चंद्रमा दोनों से ही समय की गणना की जाती है। लेकिन कहते हैं कि इस फ्रांसिस कैलेंडर है उसमें ऐतिहासिक और जरूरत फैसले चंद्रमा की स्थिति को देखकर आज भी किए जाते हैं। तो देखा आपने, चंद्रमा को देवता रूप में पूजने वाले भारत से दुनिया ने किस प्रकार लूनर कैलेंडर बनाना सीखा। और आज हम चांद पर पहुंचकर इसलिए सनातन संस्कृति का हिस्सा रहे चंद्रमा के बारे में आप ये जान ले कि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व चंद्रमा ही करते हैं। इसके आकार का देखे बढ़ना और घटना, बढ़ना तो शुभ माना जाता है लेकिन घटना हमेशा अशुभ माना गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सृष्टि से लेकर जीवन, भावनाएं, मनोदशा और मन पर अगर किसी का आधिपत्य हमेशा से रहा है तो कोई और नहीं बल्कि चंद्रमा ही है।